आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी में आरोह में अध्याय 4 आपका काव्य खंड में कैमरे में बंद अपाहिज के सा प्रसंग व्याख्या। ओके, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और साथ ही हम क्या है विशेष देखने वाले हैं जो कि आपकी है परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम क्या चैप्टर को पढ़ने से पहले ओके संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने से पहले इसका परिचय जान लेते हैं। परिचय मतलब इसमें चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कैमरे बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडिया किसी भी हद तक जा सकता है। तीसरा है अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बहुत क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति के दर्द से दर्शक रो पड़े, इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया को की इस व्यवहारिक कुर्ता का कटाक्ष किया है। ओके, व्यवसायिक कुर्ता पर क्या है कटाक्ष किया है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या है इस चैप्टर से आपको कोई भी लाइन आपसे पूछा है, कोई भी पैराग्राफ आए तो आपको उसका संदर्भ किस प्रकार से लिखना है वो आप देख लीजिए। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से यह कविता मूल रूप से संकलित है। ओके, अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये संदर्भ है जो आपके क्या सभी पंक्तियों में लागू होता है। अब मैं आपको क्या क्रम से उनका प्रसंग बताऊंगा, जो भी मैं आपको पैराग्राफ है उनका व्याख्या बताऊंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो एक एक पैराग्राफ लेते हैं। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिज तो दुख देता होगा, कैमरे दिखाओ इससे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए भाई दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब चलिए इस पूरे हम क्या है काव्य का प्रसंग देख लेते हैं। तो रघुवीर सहाय एक कवि होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे। इस कविता के अंतर्गत उन्होंने कहा पत्रकारिता की दुनिया में होने वाले व्यवसायीकरण और क्या है उसके फलस्वरूप उत्पन्न नैतिकता के हास को क्या है चित्रित किया है। व्याख्या देख लेते हैं। ओके, तो दूरदर्शन के संचालक खुद को शक्तिमान मानते हैं। संचालक कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कैमरे में एक कमजोर प्राणी को बुलाएंगे, हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उसे पूछेंगे तो हाँ आप बताइए कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज हैं। वह इसका उत्तर दे इससे पहले ही हम पूछ लेंगे कि आप क्यों अपाहिज हैं। यह प्रश्न बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर शांत रहेगा, तब उसके दुख को कह क्रोधे जाएगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर वह शांत रहेगा तो उससे फिर पूछा जाएगा कि अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है। इस प्रश्न के सामने कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और बड़ा करके दिखाएगा, नजर उसके चेहरे पर होगी, तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा हाँ तो बताइए आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी बताइए, समय बीता जा रहा है। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी क्या है अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। ये आपकी व्याख्या हो जाएगी। ओके, इजी है, नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है तो आप आसानी से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ओके, हम देख लेते हैं दूसरा काव्य। ओके, तो सोचिए बताइए आपको अपाहिज होना कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यह प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, हम इस क्या है काव्य का अभ्यास का प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में आपको लिखना है कभी दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का चित्रण करते हुए कहता है कि वह उस अपाहिज व्यक्ति के से बार बार जोर देकर अमानवीय तरीके से क्या है सिर्फ अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि और सफलता के लिए क्या है प्रश्न पूछता है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। इसकी आपको व्याख्या किस प्रकार से करनी है। तो अपाहिज जी, आप सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होना कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए, जोर हो जाएगा। ओके, आप अपाहिज हैं यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है, सोचिए और सब दर्शकों को बताइए आपको कितना दुख होता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में शांत रहता है तो कार्यक्रम संचालक खुद बेहुदे से इशारे करते हैं और पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है, सोचकर बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा बताइए, क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे।
यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको क्या है खुद करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिलता है। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसके लिए क्या है जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताए, इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि उसे पूछ पूछ कर रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होता है तो हमारी कोशिश ही रो देना है। ओके, दर्शक भी उस क्षण का इंतजार करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? जरूर करते हैं। ओके, इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है। आपको पता है जब भी आपको क्या है पेपर में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है उसके साथ आपको विशेष लिखना पड़ता है। ओके, तो मैं आपको लास्ट में सभी एक साथ विशेष बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट का अभ्यास देखते हैं। नेक्स्ट का अभ्यास है फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके आंखों पर एक कसमसाहट भी, आशा है और आप उसके अपनी अपंगता का पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाते हैं। ओके, इसका प्रसंग आपको किस प्रकार से लिखना है? तो यहाँ कभी दूरदर्शन पर अपाहिज व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मियों की क्या है असंवेदनशीलता को प्रस्तुत करता है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दोस्तों आपको बताना है कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंखें दिखाते हैं। वे सूजी हुई आंखें को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होठों पर एक क्या है बेवसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे बेवसी और क्या झटपटाहट को अपने अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। कार्यक्रम संचालक की यह कोशिश रहती है कि वे पाई हो कि वे जो दर्द पाए दर्द को इस तरह दिखाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर क्या दर्शक भी रो पड़े। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है काव्यांश का व्याख्या। नेक्स्ट काव्यांश देख लेते हैं। आप और वह दोनों कैमरे बस करो नहीं हुआ रहने दो, क्या है पर्दे पर क्या भक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएं हम, आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी देर में कसर रह गई थी, धन्यवाद। इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हो जाता है, इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। परंतु होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं होता, मतलब वो क्या है रुलाने की कोशिश करता है, बहुत बेहुदा प्रश्न पूछता है ओके अपाहिज से, लेकिन वो क्या है अपाहिज रोता नहीं है, इससे क्या है वो रुलाने में सफल नहीं हो पाता है। ओके, तो क्या है कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता है, तब वह कैमरामैन को क्या है कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो ना सही पर्दे पर क्या है एक क्षण की कीमत होती है, उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराए, वे दर्शकों को संबोधित कर करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा, इसका उद्देश्य अपाहिजों का दर्द समझना था। वह मन ही मन सोचेंगे कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए, यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम क्या सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है। क्योंकि इस प्रकार से अपना ये पूरे क्या है अपना कभी कभी तक कंप्लीट हो जाती है। इन सभी का मैं एक साथ आपको विशेष बता देता हूँ। ओके, कोई भी इन संबंधित आपको पेपर में लाइन आती है, कोई भी काव्यांश आता है, ओके, तो आपको क्या है विशेष में ये लिखना है। एक इस कविता में इस कविता की शैली क्या है नाटकीय है, इसमें मीडिया कर्मी के हृदयहीन और कार्य शैली पर प्रकाश डाला गया है, भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट है, कवि ने क्या है विवरण और ढंग रोचक तथा नाटकीय है, और शैली क्या है व्यंग प्रधान है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष बता दिया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों आपको क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर, ओके सभी जगह आप क्या है फॉलो कर लीजिएगा। वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा, यहाँ आपको क्या है सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के आपको क्या है नोट्स मिल जाएंगे। ओके, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो जरूर विजिट करिएगा अनुराग सारी क्लासेस की वेबसाइट को। और आपको दोस्तों क्या है ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है जिससे आप क्या है कोर्स वगैरह ऐसे ज्वाइन कर सके। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।